दिस इज़ सैलेश कुमार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सैलेश टेक्निकल। आज के इस वीडियो में मैं रेडमी नोट 4 के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा, जो कि रेडमी नोट 4 का बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। और जिस तरह मुझे इस फॉल्ट के बारे में हाल ही में पता चला जब मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे। जी हाँ, वैसे तो ये मेरा चैलेंज है कि बहुत से रेडमी यूज़र्स को इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे, और जो जानते होंगे उन्हें इसका सोल्यूशन के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ज़्यादा जानने के लिए कृपया मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। वैसे तो रेडमी के फ़ोन्स अपने लो प्राइस और दमदार स्पेसिफिकेशंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपने आफ्टर सेल सर्विस के लिए उतने ही बदनाम रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं रेडमी नोट 4 के एलसीडी के प्रॉब्लम, जो कि डेड पिक्सल या स्टक पिक्सल के नाम से जाना जाता है, डेड पिक्सल को हम बैड पिक्सल भी कहते हैं अगर सरल शब्दों में कहें तो, एलसीडी में छोटे छोटे पिक्सल ट्रांजिस्टर होते हैं। जब ये अच्छी तरीके से प्रॉपर फंक्शन करते हैं तब हम एक अच्छी इमेज या वीडियो देख पाते हैं, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण कभी कभी ये पिक्सल प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। ये डेड पिक्सल या तो स्टक पिक्सल कहलाते हैं। जब एलसीडी का कोई पिक्सल प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होता और स्टक हो जाता है तो इसे हम स्टक पिक्सल कहते हैं, और स्क्रीन पर ये एक कलरफुल डॉट के रूप में देखे जाते हैं जिन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये बहुत ही बारीक होते हैं, लेकिन इन्हें आसानी से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन कुछ पिक्सल जो ब्लैक कलर में रहते हैं या कहें तो फिर परमानेंटली फंक्शन करना बंद कर देते हैं, ऐसे पिक्सल को डेड पिक्सल कहते हैं जो कभी भी रिकवर नहीं कर किए जा सकते। वैसे तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डॉट के अंदर कुछ आपको पिक्सल दिख रहे होंगे, ये डेड पिक्सल या तो स्टक पिक्सल कह सकते हैं इसे, ये एग्जाम्पल हुए। तो वैसे तो प्ले स्टोर में बहुत से ऐप हैं जिनके थ्रू स्टक पिक्सल को रिकवर किया जा सकता है, परंतु इसके चांसेस बहुत कम हैं, और अगर रिकवर हो भी जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वह हमेशा के लिए फिक्स किए जा सके। अगर फिर भी आप इन ऐप को ट्राई करना चाहते हैं तो मैं इनके लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपका ये प्रॉब्लम फ्यूचर में बढ़ जाता है तो सोचिए आपको इसके रिपेयर कॉस्ट के लिए 3500 से 4200 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। तो आपको मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। जब मुझे अपने फ़ोन में डेड पिक्सल की जानकारी हुई तो मैं सबसे पहले एमआई इंडिया को कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे अपने सर्विस सेंटर जाने को कहा, तो मैं सबसे पहले झिझक गया क्योंकि मैंने सुन रखा था कि एमआई की जो सर्विस है वो बहुत बुरी है। तब जब मैं सर्विस सेंटर गया और अपनी बात रखी तो मुझे भले ही 2 दिन के लिए चक्कर लगाने पड़े क्योंकि वहाँ उस समय जो स्क्रीन था वो अवेलेबल नहीं था। जब मैं तीसरी बार गया तो उन्होंने मुझे मेरा स्क्रीन 2 घंटे में ही रिप्लेस करके दे दिया। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने एमआई फोरम पर यूट्यूब में कई वीडियो देखा जिसमें इस प्रॉब्लम पर कई वीडियो हैं। मैं ये नहीं कहता कि वे फेक हैं, मैं आपका ये कन्फ्यूज़न है दूर करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि सर्विस सेंटर ने आपकी बातों को नहीं सुना तो और भी सर्विस सेंटर नहीं सुनेंगे, क्योंकि एक कहावत है, पाँच उंगलियाँ बराबर नहीं होती। तो फालतू के अफवाहों को ध्यान ना दें, या तो प्ले स्टोर में कोई भी अन्य ऐप डाउनलोड करके अपना वक्त जाया ना करें क्योंकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कई रेडमी यूज़र्स इसी अफवाह में सर्विस सेंटर नहीं जाते हैं। दूसरों के कहे पर मत जाएं, एक बार सर्विस सेंटर जाएं, आपको आपके प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये आपका कंज्यूमर हक है, यही इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे शेयर करें ताकि अन्य रेडमी यूज़र्स की भी परेशानी ख़त्म हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।